एच क्लास में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए लूसेंट ज्योग्राफी का पार्ट 16। ऑलरेडी 1 to 15 अपलोड हो चुका है दोस्तों, ये पार्ट 16 है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते अपने क्लास की तरफ। यूक्रेन स्थित नुकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? मैगनीज के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा के किस खनिज का उत्खनन किया गया? चुक्की कमाटा से तांबा का खनन किया गया है। कनाडा स्थित सडवरी से किस खनिज का उत्खनन किया गया है? तांबा का। संसार में तांबा अग्रणी उत्पादक है, अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? जाम्बिया। मैच कराना है तांबा उत्खनन क्षेत्र और संबंधित देश किस देश से होते हैं? चुक्की कमाता चिली की है। बुट्टे क्षेत्र यूएसए, सडवरी क्षेत्र कनाडा और कटांगा क्षेत्र जायरे। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में है। ऑस्ट्रेलिया का कुलगाडी तथा कालगुल्ली क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? सोना। विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? बिटवास सरग्रेंड। विश्व चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैक्सिको है। कनाडा की सडवरी खान से निकाला जाता है चांदी, निकेल और प्लेटिनम। म्यांमार के वाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी। मैक्सिको का चिहुआ हुआ खान चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है। मैच कराना है चांदी उत्खनन क्षेत्र और संबंधित देश। चिहुआ हुआ यह मैक्सिको की है। सडबरी यह है कनाडा की। वाल्डविन है म्यांमार की और सिरोडिपास्को है पेरू की। विश्व में चांदी के प्रमुख खाने तथा उनके क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो जो सुमिलित है उसको देख लेते हैं। सडवरी कनाडा, सिरोडिपास्को पेरू और माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। हीरा उत्पादन में अफ्रीका का एकाधिकार है। आभूषण के प्रयोग किए जाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका है। औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक जायरे कांगो है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी का सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? बूटे पहाड़ी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। जायरे विश्व के औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में आभूषण के निर्माण में उपयोग होने वाली हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। एंटवर्प हीरे की कटाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत के अतिरिक्त विश्व में अभ्रक के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? जस्ता एवं सीसा। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा एवं जस्ते को जुड़वा खनिज कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? चिली के पठार। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टीन। विश्व के कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मलेशिया। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? मलेशिया ही निर्यात भी करता है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कनाडा का। विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक भी कनाडा ही है।
कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सर्वरी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सीसा तथा प्लम्बोगो के नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं, मैक्सिको चांदी, बोलिविया टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। मैच कराना है। खनिज और प्रमुख उत्पादक देश, खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैगनीज गैबोन और बॉक्साइट गुयाना। मैच कराना है। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, तांबा चाइना, यूरेनियम कनाडा और कोयला चिली। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं, कोयला मुकदेन, तांबा कटंगा, पेट्रोलियम बाकू। खनिज है, निर्यातक देश है। तांबा का निर्यात सबसे ज़्यादा चिली करता है। पेट्रोलियम का निर्यात वेनेजुएला करता है। लौह अयस्क का निर्यात स्वीडन करता है और बॉक्साइट का निर्यात ऑस्ट्रेलिया करता है। खनिज तेल है और उसके उत्पादक देश है, टीन का उत्पादन मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है, चांदी का मैक्सिको में होता है, अब्रक का भारत में होता है और तांबा का यूएसए में होता है। किरुना लौह अयस्क है, किरुना लौह अयस्क है। कालगुल्ली सोना है, कालगुल्ली की सोना सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। करागंडा में कोयला होता है और किरकुक किरकुक में होता है पेट्रोलियम। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं, चियातुरा में मैग्नीज, किब्रायरॉक में लौह अयस्क और किरुना में भी लौह अयस्क। जोहान्सबर्ग विख्यात है, स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग निर्यात है विख्यात है जोहान्सबर्ग। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है? यह है जल विद्युत और नवीकरणीय के लिए सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है? इसमें है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और सौर ऊर्जा, चारों हैं। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित में से साधनों को अवरोही क्रम में सजाएं, पेट्रोलियम कोयला फिर प्राकृतिक गैस फिर विद्युत जल। विश्व का कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा नहीं है, नहीं तो खनिज तेल कोयला और जल विद्युत तीनों वाणिज्यिक स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? कायंत्रित चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम बताएं, सऊदी अरब, इराक, फिर ईरान, फिर कुवैत। निम्नलिखित में कौन देश ओपेक का सदस्य नहीं है? वेनेजुएला नहीं है और उरुग्वे नहीं है, इंडोनेशिया और लीबिया दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब। किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल संचित भंडार है? सऊदी अरब में। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक सऊदी अरब है। ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन सऊदी अरब करता है। गैर तेल निर्यात देशों में खनिज तेल का उत्पादन में अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किरकुक निम्नलिखित में से किस देश किस खनिज के लिए संबंधित है? खनिज तेल के लिए संबंधित है किरकुक। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल
उपभोक्ता देश यूएसए है। किस देश में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है? यूएसए में होता है। खनिज तेल का काफी संचरित भंडार होते हुए भी कौन सा देश उसका आयात करता है? यूएसए करता है। निम्न पेट्रोलियम उत्पादक देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? नॉर्वे नहीं है, नहीं तो इंडोनेशिया है, वेनेजुएला है और ईरान है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं जल सामान्यतः एक साथ पाए जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर इसका सही क्रम क्या होगा? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, फिर जल। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जायरे है। कनाडा स्थित अंधी घाटी किस क्षेत्र किसके कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। विश्व में यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। निम्न में से किसको स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? परमाणु खनिज के लिए को कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत में कौन सा स्थान है? पांचवा। पवन ऊर्जा उत्पादक देशों का अवरोही क्रम जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन, फिर भारत है। निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिर स्विट्जरलैंड। सन 1883 ईस्वी में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? फ्रांस। फ्रांस में की गई। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? अफ्रीका। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका में हुआ। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत को। विश्व के सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? कांगो नदी, जो कि जायरे कांगो नदी या जायरे नदी। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया और यांगट्सी। यांगट्सी भी है। विश्व विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? इटली में। किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? स्विट्जरलैंड है। जल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक भौगोलिक दशाएँ किस देश में उपलब्ध है? कांगो गणराज्य में। कोयला का सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रासाइट। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस का है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन का प्रतिशत मात्रा 90% से अधिक है। विश्व में उत्पादित होने वाला कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान 5% है। विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयले का होता है? 80%। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र अल्पेशियन क्षेत्र है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी है। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र वेस्टफोलियो क्षेत्र है। वेस्टफोलियो क्षेत्र कजाकिस्तान स्थित करागंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? कोयला से। विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान बाकी किस देश में स्थित है? जिम्बाब्वे में। निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? करागंडा। करागंडा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य है उसको देख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार यूएसए में है। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुल कोयला का 5% ही एंथ्रासाइट कोयला है। बेल्जियम कोयले का आयातक देश है और साइलेसिया क्षेत्र पोलैंड का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है देख लेते हैं। सभी सही हैं। इसमें चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है।
यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेसियन प्रदेश है। विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। डोनवास यूक्रेन में स्थित है। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रूस में। रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? चीन में साइलेसिया क्षेत्र नहीं है, नहीं तो सांतगुन क्षेत्र, सांसी क्षेत्र और चुंगकिंग क्षेत्र, ये तीनों चाइना का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य है उसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पोर्ट डार्विन एवं मैरी कैथलीन क्षेत्रों में पाया जाता है। यूरेनियम जो पाया जाता है पोर्ट डार्विन में और कैथलीन में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार इंडिया में है, भारत में। भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।